सो है गाइस, स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। आज का रिव्यू होगा KTM Duke 200 को पर, तो जानेंगे इसके प्राइस, स्पेशल है फीचर। चलिए स्वागत है वीडियो को। यह है ड्यूक 200 और ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है 125cc के मुकाबले जो ड्यूक का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो सबसे पहले आपको डीएल्स मिल जाते हैं फ्रंट में, आपको हेलोजिन बल्ब मिल जाता है इसका जो हेडलाइट है, इसमें एलईडी दे देना चाहिए 200cc के अंदर। और यहाँ पे आपको यूनिटी फॉक्स मिल जाते हैं 43mm के, पियानो ब्लैक कलर यूज़ किया गया है इसमें, यहाँ पियानो ब्लैक कलर मिलता है आपको सेम वही। और यहाँ पे यूनिटी फॉक्स 43mm के मिल जाते हैं। और व्हील का बात करते हैं, इसमें आपको 70-inch के व्हील मिल जाता है विथ ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सेम को पैनो ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, WP के बैजिंग किया गया है। यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले मिल जाता है आपको, पीछे भी डिस्प्ले मिलेगा। और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे LED मिल जाते हैं, बल्ब नहीं मिलता है, चलो ये अच्छा बात है। और यहाँ पे जो वार्बियंस देख सकते हैं आप, सिंपल डिज़ाइन, ज़्यादा कुछ खास स्पेशल डिज़ाइन नहीं दिया गया है। वार्बियंस को काफ़ी छोटे लगते हैं क्योंकि इसे स्पोर्टी लुक दिया गया है, इसलिए इसको छोटा बनाया गया है। इंस्टॉल कस्टर का बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्टॉल कस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको स्पीड वार्निंग दिया गया है, वो बंद हो गया अभी। ABS का सिग्नल दिया गया, यहाँ पे साइज स्टैंड का वार्निंग भी दिया गया है, साइज स्टैंड इंजन कट ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है आपको उसमें। और यहाँ पे किल स्विच का स्विच दिखा रहा है, ये मोटर भी कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी स्विच को रिपेयर की जरूरत है। और अभी गाड़ी स्टार्ट है तो मैं उसको डायरेक्ट दिखा दूँ एक बार। इसके डेल्स देखते हैं आपको, काफ़ी अच्छे लगते हैं रात के टाइम पे। और ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का है जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे आपको ड्यूक 200 का बैजिंग किया गया है, यहाँ पे आपको जो आपको चेसिस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंजन गार्ड मिलता है, इसका जो रेडी वाटर है ये यहाँ पर आपको मिलेगा सीट पर, लिक्विड कूल इंजन है। और जो ब्रेक्स है आपको बीब्री का मिलता है, यहाँ पे आपको गार्ड मिल जाता है इंजन का, मेटल का है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। इंजन पर भी हम आएंगे, यहाँ पे आपको जो सीट्स है काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, काफ़ी चौड़े सीट है, RC के कंपेरिजन में काफ़ी चौड़े सीट से ये। और ये पिलियन के लिए सीट भी काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा दिया गया है, कंफर्टेबल सीट है, ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ बस आपको ज़्यादा ही एग्रेसिव पोज में बैठेंगे तो उससे आपको लॉन्ग राइड में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए हैंडल दिए गए पकड़ने के लिए, KTM का पैचिंग किया गया है यहाँ पर। और कुछ सही बात चलते हैं क्योंकि वहाँ से जगह नहीं है। यहाँ पर सेम आपको पिलियन के लिए पकड़ने के लिए हैंडल, यहाँ पे आपको टेल लाइट देख सकते हैं आप, LED मिल जाता है आपको टेल लाइट। और आपको जो टर्न इंडिकेटर है आपको LED मिलेंगे, यहाँ पे आपको नंबर होल्डर मिल जाता है। पीछे का जो टायर है वो भी आपको 70-inch के टायर मिल जाते हैं विथ ऑरेंज कलर के अलग व्हील्स। पीछे डिस्प्ले मिलेगा आपको, यहाँ पर KTM का बैजिंग किया गया है। 17-inch के टायर ठीक है। और जो सस्पेंशन की बात करें, 7 में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, WP की तरफ से आने वाला ये भी वही है। आपको जो यहाँ पे जो जिसका कलर है आपको ऑरेंज दिया, यहाँ पर ब्लैक दिया है, काफ़ी यूनिक कलर लगता है इसका। पीछे का ब्रेक हैंडल हमें यहाँ मिलता है आपको, साइड पे आपको जो गियर बॉक्स मिलेगा जो कि 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का आता है। इंजन का बात करें तो इसमें आपको 199cc का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4-valve लिक्विड कूल्ड FI इंजन मिलता है। इसका जो पावर है वो 25.83 PS का है, जो टॉर्क है वो 90 Nm का टॉर्क मिल रहा है जो कि ठीक है अपने 200cc के हिसाब से। और बात करें साइलेंसर मिलेगा कोई साइड पर, साइलेंसर मिल जाता है आपको, ज़्यादा कुछ बड़ा डिज़ाइन एंटर नहीं किया गया है 125cc के हिसाब से। आप देख सकते हैं दोनों, ये है 125, ये है 200। 125 भी आपको कुछ सेम मिल जाता है आपको, आप देखा जाए 125 लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है जो कि दोनों डिज़ाइन में है। टैंक कैपेसिटी का बात करें तो 13.5 लीटर का टैंक मिल जाता है वो कैपेसिटी। और जिसका डिज़ाइन दिया कि ये एग्रेसिव डिज़ाइन आपको सेम ड्यूक 125 के द्वारा मिलेगा। और इसमें जो गाड़ी का जो वेट है वो आपको 150 kg का मिलेगा अराउंड, इसका जो वेट है। और प्राइस का बात करें तो इस गाड़ी का जो 200 ड्यूक 200 का जो प्राइस है आपको जो ऑन रोड पड़ेगा वो आपको 2,20,000 रुपये पड़ेगा सिलीगुड़ी के हिसाब से। अगर आपको ये गाड़ी देखनी है तो आपको KTM शोरूम आना पड़ेगा सिलीगुड़ी के, तो एक बार जरूर आके चेकआउट करिएगा। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा।